सभी भाइयों बहनों और सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार प्रणाम, और आप सभी का एक बार पुनः इस सभा में हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप, आपका परिवार, आपके मित्र सब सुरक्षित हैं। पिछला एक वर्ष बहुत कठिन था देश के लिए, लोगों के लिए, और खास तौर पर जिनके घर में कोई क्षति हुई है। हर मुश्किल से लड़ना, आगे बढ़ना, इसी का नाम जीवन है। और मेरा विश्वास है कि देश और हम सभी लोग इस कठिन समय से आगे निकल पाएंगे। जिनकी क्षति हुई उसको पूरा करना पूरी तरह संभव नहीं है, लेकिन देश के स्तर पर, अर्थव्यवस्था के स्तर पर मेरा ऐसा मानना है कि कोविड के बाद अर्थव्यवस्था की जो आउटलुक है, जो इसकी स्ट्रेंथ है, वो कोविड के पहले से बेहतर है। तो ऐसा क्यों, ऐसा हम क्यों कहते हैं कि कोविड के बाद जो अर्थव्यवस्था का आउटलुक है वो कोविड के पहले से बेहतर है? देखिए, एक तो इसमें बात यह है कि हमेशा जब मुश्किल सामने आती है तभी मुश्किल डिसीजन, बड़े रिफॉर्म्स लिए जाते हैं, और ये कोविड के समय में भारत ने भी काफी अच्छे रिफॉर्म्स किए। लेकिन उससे पहले एक बड़ा फैक्टर ये रहा, कोविड ने जब दुनिया भर में अर्थव्यवस्था को तकलीफ दी, तो उससे लड़ने के लिए सभी सरकारों ने और अलग अलग देशों की जो सेंट्रल बैंक्स थे, उन्होंने हर देश में ब्याज की दर बहुत कम करी, और काफी फिस्कल और मॉनेटरी सपोर्ट अलग अलग देशों ने अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को दिया। तो इससे दुनिया में जो ब्याज की दर है, जो इंटरेस्ट रेट्स है, वो बहुत कम हो गए, और भारत जैसे एक देश में जो कि एक इमर्जिंग मार्केट है, इमर्जिंग इकोनॉमी है, जिसमें कि हमको बाहर से हमेशा निवेश की जरूरत रहती है, तो एक ब्याज दर का, इंटरेस्ट रेट्स का इतना कम होना, ये हमारे जैसे देश के लिए अत्यंत बहुत ही लाभप्रद है, बहुत ही बेनिफिशियल है। और इससे हमारे देश में जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी निवेश की जरूरत है, उसमें एक लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए सस्ते रेट पर हमको एक कैपिटल काफी बड़ी मात्रा में उपलब्ध होगी, और इससे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि एक कैपिटल स्टार्व जो इकोनॉमीज होती हैं, जैसा कि भारत देश है, इसके लिए ये एक इस प्रकार का जो वातावरण है, एनवायरमेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और हम सभी देख रहे हैं कि चाहे FDI में हो, चाहे FII फ्लोज में हो, कि बाहर से भारत में कितना निवेश आया है, और ये इतना ब्याज दर कम होने का ही मेरे हिसाब से एक इसका मुख्य कारण है। दूसरा, एक इस कोविड के चलते एक हमारे देश को एक और बहुत बड़ा लाभ हुआ, तो आपको, आप में से बहुतों को याद होगा, हमने लास्ट ईयर अपनी जो कैलेंडर ईयरबुक निकाली थी, उसमें हमने इस पे तीन चार पन्ने दिए थे कि जैसे सभी को मालूम है कि चाइना में वर्ल्ड की सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है, और उसका एक मुख्य कारण था कि वहां पे जो कॉस्ट थी वो काफी कम थी और वहां का स्केल बहुत बड़ा हो गया था। लेकिन पिछले 4-5 वर्षों से जैसे जैसे हम देख रहे थे कि चाइना का जो शेयर था मैन्युफैक्चरिंग का, वो बहुत धीरे धीरे कम हो रहा था, और इसका कारण यह था कि पिछले 15-20 साल में इकोनॉमी में तेज ग्रोथ आने की वजह से वहां पे जो वेजेस थी, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, वो काफी बढ़ गया था, और इसकी वजह से धीरे धीरे प्रोडक्शन वहां से बाहर जा रहा था। कोविड ने क्या किया कि जब कोविड की वजह से वहां जो सप्लाई चेन थी उसमें एक रुकावट आ गई, उसमें तो जो बायर्स हैं, जो बड़ी कंपनी चाइना से सोर्सिंग करती थी, उनको लगा कि ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, चाइना पे ओवर डिपेंडेंस एक प्रकार से थी दुनिया की सप्लाई चेन की, और उसमें से आज भी हम देख रहे हैं कि किसी किसी इंडस्ट्री में सप्लाई चेन की आज भी तकलीफ है। तो कोविड ने इस बात का सबको एहसास दिलाया कि हमको एक ऑल्टरनेट सोर्स डेवलप करना पड़ेगा, और जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस धीरे धीरे 5-10 साल में होती थी, कोविड की वजह से उसमें एक बहुत अर्जेंट सेंस ऑफ अर्जेंसी आई, और हम देख रहे हैं कि जो शिफ्ट काफी समय लेता था, वो शिफ्ट अब काफी तेज गति से दूसरे देशों में मैन्युफैक्चरिंग की जो सप्लाई चेन है वो शिफ्ट हो रही है। भारत में सप्लाई चेन का एक अच्छा हिस्सा आने के
पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि हमारी कॉस्ट कम है, हमारे पास स्किल्ड लेबर है, हमारे पास वो सभी साधन है जिससे कि हम एक सही दाम, सही क्वालिटी यहाँ पर बना के पूरे विश्व में के लिए बना सकते हैं। हमारी सरकार ने भी इस अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरह से समझा है और उन्होंने इस दिशा में काफी ठोस कदम उठाए हैं। जैसे कि एक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम बोलते हैं, पीएलआई स्कीम, इसको एक काफी बड़े पैमाने पर काफी टाइम बाउंड तरीके से, फोकस तरीके से अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए लॉन्च किया गया है। और इससे हमको ऐसा लगता है कि इससे हमको मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत का जो मार्केट शेयर है वो बढ़ाने में काफी वो पॉसिबल हो पाएगा। एक दूसरा बड़ा रिफॉर्म इसी समय में हुआ, वो था प्राइवेटाइजेशन का। मैं पीएलआई के अलावा जा रहा हूँ, तो जैसे आपने देखा होगा कि इस बजट की स्पीच में माननीय वित्त मंत्री ने खुले तौर पे कहा, जो भारत की बहुत सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज है उनको सरकार अब प्राइवेटाइज करना चाहेगी, स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट करना चाहेगी। पहले इस प्रकार से हम डाइवेस्ट नहीं करते थे, हम बाजार में आके छोटी छोटी स्टेक्स बेचते थे। ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा, बहुत ऐतिहासिक कदम है जिससे अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ मिलेगा, इससे सरकार को काफी साधन मिलेंगे, देश में बहुत निवेश आएगा और ये कंपनीज और समय के साथ मजबूत हो पाएंगी। भारत में एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो हमारी रैंकिंग थी वो आज से 5-6 साल पहले 140 पर थी, वो आज बहुत सारे कदम उठाए सरकारों ने इस समय में, तो वो बढ़कर 60 पे आ गई है और अब हम वियतनाम जैसे देश से ऊपर आ चुके हैं जो कि एक की कंपटीटर है मैन्युफैक्चरिंग में। तो मुझे लगता है इन सभी ऐसे एक माहौल में जहाँ की चाइना से मार्केट शेयर कम हो रहा है उनका, कॉस्ट की वजह से भी और क्योंकि बायर्स को डिरिस्क भी करना है, और हमारे यहाँ बिजनेस करने का जो माहौल है वो इम्प्रूव हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत को एक बहुत बड़ी सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। जैसा हम सभी जानते हैं जो सर्विसेज की इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, उसमें भारत अनक्वेश्चन्ड लीडर है दुनिया में और इसने कई लाख लोगों को रोजगार दिया है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने इसमें करीब हम $200 बिलियन साल का फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं और इससे भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत सपोर्ट मिली है पिछले 20-30 सालों में। अगर हम इसका एक छोटा हिस्सा भी सक्सेस ला पाए मैन्युफैक्चरिंग में, तो मुझे लगता है इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में 1 से 2% साल की ग्रोथ में वृद्धि हो सकती है कई कई सालों तक, 10-20 साल तक भी। और चाइना ने इसका बहुत लाभ लिया, लेकिन अब क्योंकि हम ज्यादा कंपेरेटिव हैं और बाकी एशिया के जो देश हैं जहाँ पे जो भी वो भी चाहते हैं कि उनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग जाए, उनसे हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है इसका साइज बहुत बड़ा है, ये 3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। तो हमारा जो लोकल, हमारे देश के अंदर जो इकोनॉमी का साइज है, जो कंजम्पशन है, वो बाकी जो कंप्यूटिंग हमारे आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनसे बहुत बड़ा है। और यदि हम उसको सही तरीके से लेवरेज करें अपने पॉलिसीज के द्वारा, तो इसमें कोई शक नहीं कि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग की अपॉर्चुनिटी है उसका हम पूरा लाभ उठा पाएंगे। आज से 15-20 साल पहले हम इसका ठीक से लाभ नहीं उठा पाए थे, लेकिन अब मेरे ख्याल से वातावरण काफी फेवरेबल है और इससे हमारी अर्थव्यवस्था को काफी फायदा होगा। तो ये एक दूसरा कारण था जिसकी वजह से हम लोग को ऐसा लगता है कि कोविड के बाद जो अर्थव्यवस्था का आउटलुक है वो कोविड के पहले से बेहतर है, क्योंकि कोविड ने डेफिनेटली एक चाइना से अल्टरनेट सोर्स डेवलप करने का जो एक रिस्क था उसको काफी बड़े पैमाने पर सामने लाया। भारत में जो अर्थव्यवस्था में तकलीफ आई उसको, उसका इम्पैक्ट कम करने के लिए हमारी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा है उसको काफी बढ़ाया और हम देख रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो रोड्स बनाना हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, पोर्ट्स हो, इन सभी एरियाज में, चाहे वो रिन्यूएबल पावर हो, सभी क्षेत्र में हम अच्छी प्रगति देख रहे हैं। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निवेश जैसे देश में बढ़ रहा है, बाहर से भी इसमें बहुत पैसा आ रहा है, तो ये भी अर्थव्यवस्था को संभालने में और आगे के समय में ग्रोथ करने में इससे हमको काफी लाभ मिलना चाहिए।
एक तीसरी बात बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव थी, जिसकी बहुत कम लोग कल्पना कर सकते थे, और वो कोविड के वर्ष में यह हुआ कि इस साल में जो निफ्टी का ईपीएस ग्रोथ आया, प्रॉफिट ग्रोथ आया, वो पिछले कई सालों का सबसे ज्यादा था। और सबको लगता था, बहुतों को लगता था कि जब अर्थव्यवस्था लॉकडाउन में है, देश लॉकडाउन में है, तो इसमें प्रॉफिट्स बहुत कम हो जाएंगे, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। तो आप देखिए कि पिछले कई वर्षों का सबसे ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ निफ्टी का इस वर्ष में आया। तो ऐसा क्यों हुआ? और क्योंकि इसका सीधा ताल्लुक प्राइवेट कैपेक्स से भी है, और इसका सीधा ताल्लुक शेयर बाजार से भी है। तो देखिए, हुआ ऐसा कि जब लॉकडाउन हुआ तो इससे बड़ी कंपनीज को काफी लाभ हुआ, क्योंकि जो छोटी कंपनीज थी उनके पास साधन कम थे, टेक्नोलॉजी कम थी, टैलेंट कम था, तो वो ऐसे समय में प्रोड्यूस करने में और अपने कस्टमर के पास पहुंचने में उतने सक्षम नहीं रहे जितना कि बड़ी कंपनीज कर पाई। तो इसकी वजह से जो बड़ी कंपनीज है, और शेयर बाजार में अधिकांश हर सेक्टर की बड़ी कंपनीज ही लिस्टेड है, इसमें लघु उद्योग जो स्मॉल एंटरप्राइज है वो लिस्टेड नहीं है, तो इसका एक सीधा फायदा बड़ी कंपनीज को हुआ, और प्रॉफिट ग्रोथ में इसका एक छोटा सा रोल रहा। दूसरा ये हुआ कि ऐसे समय में कंपनीज ने काफी कॉस्ट बचाई। तो आप सभी को मालूम है, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, ट्रैवल, लोग घरों से काम कर रहे थे, तो बहुत सारे कंपनीज के खर्चे बढ़ गए। वेजेस में भी कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, तो ये एक दूसरा कारण रहा जिसकी वजह से कंपनीज को प्रॉफिट बढ़ाने में मदद मिली। और तीसरा तीसरे कुछ कारण ऐसे थे जो कि खास तौर से बैंक से संबंध रखते हैं, कि पिछले कुछ वर्षों में जो भारत के बैंक्स थे उनमें से कई एक बैंक्स ऐसे थे जिनमें जो कंपनीज के लोन्स थे वो काफी एनपीए में जा रहे थे और उसपे प्रोविजनिंग काफी आ रही थी, लेकिन हम लोग जैसा कह रहे थे कई वर्षों से कि ये कम होएगा, उसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन ऐसा देखा गया कि जो पिछला साल था उसमें एनपीए प्रोविजंस काफी कम हुए, एनपीएस काफी कम हुए, और बैंक्स में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट में ग्रोथ आया। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से पिछले वर्ष प्रॉफिट ग्रोथ जो थी वो निफ्टी में बहुत ज्यादा आई। एक और कारण रहा कि कुछ कमोडिटीज ऐसी हैं जैसे कि मेटल्स हुए खास तौर पे, जिनके दाम बहुत बढ़ गए हैं। ये क्यों बढ़े और इनका आउटलुक क्या है, ये एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन संक्षिप्त में जब मेटल का प्राइस बढ़ा तो उससे जितनी भी मेटल की कंपनीज थी उनका प्रॉफिट ग्रोथ काफी ज्यादा हुआ। और जैसा मैंने कहा, क्योंकि सरकार ने इंफ्रा पे काफी फोकस रखा, तो उससे जो इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी थी उनकी ऑर्डर बैकलॉग को भी काफी उससे मदद मिली। और जहां तक कुछ एक सेक्टर ऐसे हैं जैसे कि कंज्यूमर वाला सेक्टर, एफएमसीजी है, या आईटी सेक्टर है, या फार्मा सेक्टर है, या यूटिलिटीज का सेक्टर है, इन सेक्टर्स पे जो इकोनॉमी में लॉकडाउन हुआ उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। तो एक तिहाई सेक्टर्स ऐसे थे जिनका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, और बैंक्स जो कि निफ्टी का लगभग एक तिहाई, 1/3 हिस्सा है, उनमें काफी इम्प्रूवमेंट आया। तो यही कारण रहे जिससे कि निफ्टी में पिछले वर्ष एक प्रॉफिट ग्रोथ में बहुत अच्छा ग्रोथ आया। अब जब कोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, जैसे पेपर है, टेक्सटाइल है, मेटल्स है, सीमेंट है, ऑयल एंड गैस है, इन सभी सेक्टर्स में जैसे प्रॉफिट्स काफी बढ़े और इनके डेट इक्विटी रेशियो भी काफी कम हो गए, तो अब हम देख रहे हैं कि ये कंपनीज अब नए प्लांट्स लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और इनमें जो प्राइवेट केपेक्स है, इससे हमें लगता है आने वाले वर्षों में जो प्राइवेट केपेक्स है वो काफी तेजी से इंडिया में बढ़ेगा। हम लोग काफी समय से उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया में प्राइवेट केपेक्स आएगा, लेकिन वो अभी तक वो उम्मीद सही नहीं हुई, लेकिन अब इन कंपनीज का प्रॉफिट, उनकी बैलेंस शीट की हेल्थ देखते हुए और इनकी जो प्लान है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले वर्षों में जो प्राइवेट कैपेक्स है वो पिछले वर्षों के मुताबिक काफी ज्यादा रहेगा। तो और ये एक लास्ट कारण है जिसकी वजह से हमें लगता है कि आने वाले समय में अर्थव्यवस्था में जो ग्रोथ है वो पिछले कोविड के पहले जो आउटलुक था उससे बेहतर है। अब मैं तो संक्षिप्त में मैं इतना ही कहूंगा कि कोविड एक लॉकडाउन एक बहुत मुश्किल दौर से
देश परिवार समाज गुजरा। लेकिन जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, कुछ इंडिया के बाहर जो चेंजेस हुए इंटरेस्ट रेट्स के, कुछ चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी है, और कुछ हमारे हमने जो रिफॉर्म्स किए और जो एक प्राइवेट सेक्टर में काफी प्रॉफिट्स में ग्रोथ आई और ब्याज की दरें कम हुई और सरकार का इंफ्रा पे फोकस है, तो ये सब चार पांच कारण हैं जिससे हम लोग को लगता है कि जैसे जैसे स्थिति सामान्य होगी, लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म होगा, भारत में अर्थव्यवस्था में ग्रोथ काफी तेजी से आने की पूरी उम्मीद है। अब मैं बात करता हूँ शेयर बाजार की, इक्विटीज की। और जब मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ तो लोगों के दिमाग में एक प्रश्न सबसे ऊपर है, वो ये जब वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि बाजार बंद है, सड़कें सूनी है और बहुत सारे घरों में आमदनी कम हो गई है, लेकिन फिर वो देखते हैं कि शेयर बाजार ये बढ़ता जा रहा है, तो ऐसा क्यों? और नहीं, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि शायद शेयर बाजार गलत है, तो हम लोग का ऐसा मानना नहीं है। और हम लोग ने पिछले साल, मेरे ख्याल से एक साल पहले, इस तरह के कई वेबिनार भी किए थे, हमारी ईयरबुक भी आई, हमारी मंथली कमेंट्रीज भी आती है, तो उसमें आप देखेंगे कि हम लोग ने इस इशू को पूरी तरीके से डील किया है और हमें नहीं लगता है कि शेयर बाजार गलत है। तो मैं अब अगले 5-10 मिनट में आपको अपनी राय देता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ कि जब अर्थव्यवस्था में थोड़ी तकलीफ दिखती है तो भी शेयर बाजार इतना अच्छा क्यों है। तो इसके दो तीन मुख्य कारण है। सबसे पहला कारण है कि जो एक शेयर की फेयर वैल्यू होती है वो एक साल के प्रॉफिट पे निर्भर नहीं करती, बल्कि वो आने वाले 10, 15, 20, 25 साल के प्रॉफिट का अनुमान लगा के उनको हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो बोलते हैं, तो उससे वो शेयर की फेयर वैल्यू आती है। तो जब आप किसी शेयर को उसका प्रॉफिट है 1 रुपया और दाम दे रहे हैं 20 रुपए का, तो यानी 20 PE है, तो अगर एक साल का प्रॉफिट मान लीजिए आधा भी हो जाए या खत्म भी हो जाए, तो उससे इस शेयर की फेयर वैल्यू पे मेरे ख्याल से 3, 5, 7% से ज्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब कोई असामान्य स्थिति आती है और प्रॉफिट मान लीजिए कुछ समय के लिए बहुत कम हो जाता है, तो उस साल का प्रॉफिट तो कम हुआ लेकिन शेयर बाजार की जो फेयर वैल्यू है उस पे उसका 3-5% से ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो एक हमको ये समझने की आवश्यकता है कि भले ही एक साल का प्रॉफिट कम हो जाए लेकिन फेयर वैल्यू पे इम्पैक्ट काफी कम है। और मजे की बात यह है कि जैसा मैंने पहले कुछ देर पहले कहा कि असल में देखा जाए तो प्रॉफिट्स कम हुए ही नहीं, वो तो उनके बढ़ गए। दूसरी बात यह है देखिए कि शेयर बाजार इतना अच्छा क्यों कर रहा है, क्योंकि जो पूरे विश्व में है वो इंटरेस्ट रेट्स, ब्याज की दर बहुत कम हुई है। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती है तो जो भी फाइनेंशियल एसेट्स है उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि जो डिस्काउंटिंग रेट है वो काफी कम हो जाता है। और ऐसा हम बहुत मोटे तौर पर मान सकते हैं कि 1% अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटती है, ये बहुत मोटे तौर पर उससे लगभग 10% का आप अनुमान लगा सकते हैं कि फेयर वैल्यू बाजार की बढ़ जाती है। तो जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल भारत में और भारत के बाहर इतनी कम हो गई, तो उससे आप देखेंगे कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, सभी जगह के शेयर बाजार अच्छा कर रहे हैं। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है कि इतना पैसा दुनिया में है मॉनिटरी ईजिंग की वजह से, इंटरेस्ट रेट इतने कम है कि उससे इन बिजनेसेस की वैल्यूज काफी बढ़ गई हैं। आई थिंक बाजार में बहुत लोगों ने इसी बात को नजरअंदाज किया, छोटे समय के कुछ समय की इकोनॉमी की समस्या पे उनका ध्यान केंद्रित रहा, लेकिन वो ये नहीं सोचा उन्होंने कि ये समस्या तो कुछ समय के लिए है और लेकिन जो ब्याज की रेट इतनी कम है उससे इन बिजनेसेस की फेयर वैल्यू भी काफी बढ़ जाएगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा जिससे कि शेयर बाजार भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि अच्छा कर रहे हैं। और ये कब तक इंटरेस्ट रेट्स इतने कम रहेंगे ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन जब तक ये ऐसा रहेगा तो इसका शेयर बाजार पे, फेयर वैल्यू पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली रहेगा। देखिए तीसरी बात, इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि जो प्रॉफिट ग्रोथ थी
वो प्रॉफिट्स घटे नहीं, बल्कि प्रॉफिट्स ग्रोथ निफ्टी में लास्ट ईयर बेस्ट आ गई, और उसका मैंने सेक्टर वाइज आपको थोड़ा थोड़ा अनुमान दिया, तो वो भी एक कारण रहा जिससे कि शेयर बाजार को एक सपोर्ट मिली। अब प्रश्न ये उठता है कि आज शेयर बाजार की क्या स्थिति है, आज हम कहाँ पर हैं कि बाजार इतना ऊपर आ चुका है, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं 2008 के बाद ये बाजार इतना घट गया था, तो क्या वैसी स्थिति फिर से आ सकती है? तो मेरे ख्याल से वो ऐसा मानना सही नहीं है। और देखिए, इसको हम देखने के दो तीन तरीके हैं। आज अगर आप निफ्टी का रिटर्न देखें आज की तारीख में, तो पिछले 10 और 15 वर्षों का निफ्टी का जो सीएजीआर रिटर्न है वो लगभग 11% का है, जो सिंपल इंडेक्स का रिटर्न है। हमको वही देखना चाहिए, उसमें से हमको डिविडेंड नहीं ऐड करना चाहिए। तो लगभग जब हमारी जो अर्थव्यवस्था है रुपए के टर्म्स में, जो रियल ग्रोथ और इन्फ्लेशन को जोड़े, तो वो भी 10 से 12% के बीच में ही ग्रो करी होगी, 10 से 14% के बीच में। तो निफ्टी का जो रिटर्न है 10 और 15 वर्षों का, अगर वो 11% के आसपास है, तो इससे हमको एक अनुमान लगता है कि शेयर बाजार इस लेवल पर भी उसने अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की जो रुपी ग्रोथ है, उससे ज्यादा रिटर्न हमको नहीं दिया है। तो इसलिए शेयर बाजार में कोई ऐसा ये साइन नहीं है कि यहाँ पे कुछ एक्सेस है। दूसरा इसका मापदंड है, दूसरा इसका मेजर है मार्केट कैप टू जीडीपी। यदि हम मार्केट कैप टू जीडीपी देखें, तो हमको ये जो साल चला गया उसके इकोनॉमी के साइज के ऊपर ये मार्केट कैप जीडीपी मेजर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पिछले 40 सालों में पहला साल था कि जब हमारी अर्थव्यवस्था कॉन्ट्रैक्ट करी, तो वो एक असामान्य साल था, और उसके बेस को हम लेके कोई भी अंदाजा लगाएंगे तो वो हमको मिसगाइड करेगा। और अब आप देखिए कि हम ऑलरेडी जुलाई के महीने में आ चुके हैं, 1 2 3 महीने में हम सितंबर में आ जाएंगे, तो ये साल जो वित्तीय वर्ष है, जो फिस्कल ईयर है, इसका भी आधा साल पूरा हो जाएगा। तो आने वाले 3 4 महीनों में सभी का ध्यान, सभी का फोकस वो फिस्कल 22 23 ईयर पे चले जाएगा। तो अगर हम थोड़ा भी आगे सोचते हैं और 22 23 का अगर हम अनुमान लगाएं, तो वहां का जो जीडीपी का साइज होने का उम्मीद है, उसके तुलना में मार्केट कैप टू जीडीपी हमारे देश का करीब 90% है, 90% है, जो कि सस्ता भी नहीं है और बहुत महंगा भी नहीं है। तो इसका भी संकेत यही मिलता है कि जो है हमारा बाजार जो है वो लगभग फेयरली वैल्यूड है। और यदि आप 2008 की तुलना में भारत का मार्केट कैप टू जीडीपी या पीई मल्टीपल देखेंगे, तो आज ऐसा नहीं है, वो काफी उससे कम है। इसलिए हमको 2008 से आज के बाजार की तुलना नहीं करनी चाहिए। अब एक प्रश्न ये उठता है कि इस बाजार में रिस्क क्या है? या इससे पहले मैं ये बताऊं कि आज का जो अब जो हम 2023 के बेसिस पे जो पीई मल्टीपल भी बाजार का देखते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 3 4 महीने में हम फिस्कल 23 को सभी लोग देखने लग जाएंगे, तो फिस्कल 23 के या 1.5 साल आगे का अगर हम फॉरवर्ड पी देखते हैं, तो वो 18 19 के लगभग है। ये कम नहीं है, लेकिन आज की जो ब्याज की दर है, जो इंटरेस्ट रेट्स है, इसको देखते हुए ये एक्सेसिव भी नहीं है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आज अगर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदते हैं 10 साल की, तो उस पे हमको इंटरेस्ट यील्ड मिलती है 6% की, 6% की। तो 100 रुपए हम देते हैं और हमको 6% का हर साल अगले 10 साल तक का ब्याज मिलेगा। अगर इसको हम एक सोचे कि एक शेयर है जिसपे 6 6 रुपए साल का अर्निंग्स पर शेयर है हर साल का, और 100 रुपए का वैल्यू, और उसमें ग्रोथ 0 है, तो आप 100 को 6 से भाग देंगे तो आपको लगभग 17 मिलेगा। तो एक बॉन्ड का 0 कूपन, सॉरी 6% बॉन्ड का, 0 ग्रोथ बॉन्ड का, 0 रिस्क बॉन्ड का जो पी है वो लगभग 17 का है। तो अब हम इसकी तुलना में अगर बाजार का 18 या 19 का पी देखते हैं, तो वो हमको बहुत ज्यादा नहीं लगता, वो हमको ठीक ठीक लगता है। शेयर्स में रिस्क भी ज्यादा है लेकिन ग्रोथ भी ज्यादा है। तो ऐसा हमने देखा है मेरे तजुर्बे में कि जब भी अर्निंग्स यील्ड जो है वो बॉन्ड यील्ड के लगभग बराबर है, तो ये एक फेयर मार्केट का अंदाजा देता है। तो
तो चाहे हम पी के टर्म्स में देखें, चाहे हम पिछले 10-15 साल के रिटर्न्स के टर्म्स में देखें, चाहे हम मार्केट कैप टू जीडीपी के टर्म्स में देखें, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये बाजार लगभग लगभग फेयरली वैल्यूड है। फेयरली वैल्यूड का ये मतलब नहीं है कि इसमें रिटर्न नहीं आएगा, इसका मतलब ये है कि आने वाले 3, 5, 10 सालों में हम इतने रिटर्न की उम्मीद रख सकते हैं जितना कि हमारी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी में रुपए के टर्म्स में ग्रोथ होने की उम्मीद है। तो हम माने अगर कि 6 से 8% की ग्रोथ है, मान लीजिए रियल ग्रोथ, और 4 से 6% का हम इन्फ्लेशन माने, तो इसको जोड़ेंगे तो अलग अलग सिचुएशन में 10 से 14% का करीब हम रुपए की जीडीपी ग्रोथ में उम्मीद कर सकते हैं लंबे समय में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रिटर्न्स लंबे समय में आने की हमको एक एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, और इसके अलावा हमको साल का 1-2% जो डिविडेंड यील्ड है वो भी इसके ऊपर से मिलता है। सेक्टर्स में काफी वेरिएशन है। ये जो मैंने आपको पिक्चर बताई, जो समझाई शेयर बाजार की सिचुएशन, ये टोटल शेयर बाजार की है। सेक्टर्स में थोड़ा वेरिएशन है, वहां पर मैं कुछ ही मिनटों में आता हूँ। अब इस बाजार में रिस्क क्या है? देखिए, इस वैसे तो जो रियल रिस्क है, रिस्क का नाम ही वो है कि जो हमको मालूम नहीं पड़े, लेकिन फिर भी जो एक हम लोग को समझ में आता है, एक इसमें बड़ा फैक्टर है कि दुनिया में इंटरेस्ट रेट्स कैसे रहेंगे। यूएस है, यूरोप है, जो देश बड़ी अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। तो आने वाले समय में यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स कब बढ़ेंगे, कितना बढ़ेंगे, जो तो यहाँ पे एक बॉन्ड बाइंग चल रही है, ये किस रफ्तार से कम होगी, इसका थोड़ा ये एक रिस्क है, ये हमको मॉनिटर करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये पश्चिमी देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा घटी है, इंडिया में उतनी नहीं घटी है। देखिए, दुनिया वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूएस में जो आज इंटरेस्ट रेट्स हैं वो लोएस्ट एवर रेट्स है, इतना कम ब्याज का दर वहां कभी नहीं हुआ। लेकिन ये भारत के लिए ट्रू नहीं है। भारत में आप देखेंगे कि जो आज हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे यील्ड है, इससे कम यील्ड 2005 के आसपास थी हमारे देश। तो कहने का मतलब यह है कि जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने का ज्यादा जगह है, और जो ज्यादा उसका इम्पैक्ट आएगा वो वेस्टर्न वर्ल्ड में आएगा, उसका हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट थोड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये उतने नहीं घटे जितने कि बाहर के देशों में घटे, तो शायद इसका इम्पैक्ट उतना हमारे यहाँ नहीं आएगा। दूसरी बात, यहाँ पे दो बातें और मैं कहना चाहूंगा। इंटरेस्ट रेट्स का एक रिस्क तो है, लेकिन एक ग्रोइंग इकोनॉमी में जहां पे कि हर साल 12-14% की ग्रोथ है, तो उसमें इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की वजह से ये हो सकता है कि बिजनेस की फेयर वैल्यू 5-10% कम भी हो जाए। लेकिन हर साल अगर ग्रोथ 10-12-14% है, तो उसका फेयर वैल्यू उतना बढ़ भी रहा है। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो ये हो सकता है कि जो हमारा रिटर्न है ये थोड़ा कम हो जाए, या कुछ समय तक रिटर्न नहीं आए, लेकिन इक्विटीज से इससे कोई एक लंबे समय के लिए तकलीफ आएगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। और इसका एक सिंपल एग्जाम्पल यही है कि जब सेंसेक्स शुरू हुआ था 1969 में, तो 100 की वैल्यू थी, आज 50,000 की वैल्यू। तो 100 से 50,000 का सफर, यानी कि सेंसेक्स 500 गुना हो गया। इस समय में कई बार इंटरेस्ट रेट्स बहुत ऊपर थे, और कई बार इंटरेस्ट रेट्स नीचे भी थे। मैंने देखा है 1990 के आसपास जो भारत में इंटरेस्ट रेट्स थे, ये 10-12-14% के होते थे जीसेक्स में भी। तो इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं, लेकिन शेयर बाजार का लॉन्ग टर्म में रिटर्न उतना ही है जितना कि वहां की इकोनॉमी में, वहां की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ। लेकिन इतना फिर से कहूंगा, एक बात और है यहाँ पर, कि जब भी हमने एक चीज और देखी कि जब भी भारत के बाहर के देशों में एक तेज गिरावट आई, चाहे वो 9/11 2001 के समय हुआ हो, या 2008 के समय हुआ हो लीमन क्राइसिस में, या मेरे ख्याल से 2013 के आसपास हुआ जब टेपरिंग हुआ था, तो उस समय में उसका एक शॉर्ट टर्म में कुछ समय के लिए इम्पैक्ट सेंटिमेंट की वजह से भारत के शेयर बाजार पर भी पड़ता है। यदि कभी ऐसा हुआ कि बाहर का मार्केट घटा,
तो हमारे देश में भी हम एक उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर्स का बहुत बड़ा निवेश है, ये करेक्शन आ सकता है। लेकिन मेरा ऐसा तजुर्बा है कि भारत में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छे मौके वही हैं जबकि फॉरेनर्स बेस्ट है, और ये हम लोग ने पिछले साल भी कहा था, द बेस्ट टाइम्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया इज व्हेन द फॉरेनर्स आर सेलिंग। क्योंकि देखिए अर्थव्यवस्था वही है, बिजनेस वही है, लेकिन किसी कोई बेच रहा है तो उससे शेयर बाजार डाउन है, तो उससे अगर हमारे पास होल्ड करने की क्षमता है तो सेम चीज हमको सस्ते दाम में मिलती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में, जैसा समय समय पर होता है, कभी यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़े या और किसी कारण की वजह से एफआईज ने या सेलिंग की, तो अगर बाजार में एक अच्छा करेक्शन आता है तो उस समय हमको अपना निवेश शेयर बाजार में कम नहीं करना चाहिए। तो अब मैं एक कंक्लूजन के तौर पर इतना ही कहूंगा कि जो शेयर बाजार में हुआ, मेरी समझ में, हम लोग की समझ में, इसमें कोई गलती नहीं है, इसको सही ढंग से समझना चाहिए कि एक साल के प्रॉफिट में की कमी का शेयर बाजार की फेयर वैल्यू पे बहुत कम इम्पैक्ट है। ब्याज की दर कम होने से फेयर वैल्यू काफी बढ़ गई है, और यदि हम पिछले 15 सालों का रिटर्न, इंडिया का मार्केट कैप, जीडीपी या आने वाले समय का जो पी है उसको देखें, तो उसमें हमको देख के ऐसा नहीं लगता कि बाजार कुछ खास महंगा है। ये बहुत सस्ता भी नहीं है लेकिन बहुत महंगा भी नहीं है। देखिए एक प्रश्न लोगों के दिमाग में और आता है कि जब हम देखते हैं तो बेरोजगारी है कई जगह, बहुत से लोगों को तकलीफ है, बाजार बंद है, सड़कों पे कोई नहीं है, तो फिर अर्थव्यवस्था पे उतना इम्पैक्ट उसका क्यों नहीं आ रहा है? देखिए इसका एक बहुत सिंपल कारण है, भारत एक लो इनकम देश है, और हमारे देश में जो 75% घर है, जो हाउस होल्ड है, उनकी आमदनी महीने की 30,000 रुपए प्रति माह से कम की है। तो और इनमें से बहुत सारे लोग जो अर्बन सिटी, जो शहरों में है, वो सर्विस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड है। तो जैसे हम सिनेमा हॉल देखे, रेस्टोरेंट देखे, शॉपिंग मॉल्स देखे, ट्रैवल देखे, टूरिज्म देखे, हेल्थ हेल्थ सेक्टर देखे, तो सब जो सर्विस इंडस्ट्री थी, लोकल ट्रांसपोर्ट देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट, तो इन सभी में से इनको रोजगार मिलता है, और ये सब काफी बंद है। इनमें काफी सिनेमा हॉल बंद है, मॉल्स बंद है, रेस्टोरेंट्स बंद है, तो वहां पे जो लोग काम करके आमदनी का जो रास्ता था उन सबको बहुत तकलीफ है। तो इसका इकोनॉमी पे असर क्यों नहीं पड़ रहा है? तो देखिए उसका बड़ा सिंपल सा एक कारण है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोविड की वजह से एक सामाजिक समस्या ज्यादा हुई, अर्थव्यवस्था में समस्या कम हुई। क्यों? क्योंकि जो 75% लोग हैं इनमें से जिनकी आमदनी 30,000 रुपये महीना से कम है, और इनमें से जो शहरों में सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयड है, उनकी आमदनी में फर्क तो निश्चित तौर पे पड़ा है, लेकिन जो पूरी इकोनॉमी के जो डिस्क्रिशनरी गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी डिमांड में इनका शेयर बहुत कम है। क्योंकि ये आय का ये इतनी कम आय है कि इससे जो बड़ी कंपनीज गुड्स या सर्विसेज बेच रही हैं उसमें इनका शेयर, इस ये जो बड़ा एक हिस्सा है देश का, उसका शेयर इनका काफी कम रहा, और इसीलिए हम ऐसा देखते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि कोविड या लॉकडाउन, इससे लोगों को दिक्कत ज्यादा हुई है लेकिन अर्थव्यवस्था पे इफेक्ट कम पड़ा है, क्योंकि इनका जो शेयर है पूरी इकोनॉमी में वो काफी कम है, और यही एक कारण है ये जिससे कि प्रॉफिट ग्रोथ में भी उतना हमने कोई असर बाजार में नहीं देखा। मैं कुछ समय अपने 2-4 मिनट अपने फंड्स के परफॉर्मेंस के बारे में बात करता हूँ। हमारे हमारे फंड्स का एक लंबा हिस्ट्री है, और करीब 25 साल से ज्यादा के भी कुछ फंड हैं, और इसमें कई बार हमने देखा कि एक वीक पीरियड आता था 2000 के आसपास, 2007-08 के आसपास, और बाद में 2013 के आसपास भी परफॉर्मेंस वीक हुआ, लेकिन हर मौके पर हम वो खराब परफॉर्मेंस के दौर से वापस आए और हमने मेकअप किया। इस साल जो ये खराब परफॉर्मेंस, कमजोर परफॉर्मेंस का दौर था, ये कुछ लंबा हो गया, और इस ऐसा इसलिए हुआ कि जो आईबीसी, जो इंडियन बैंकरप्सी कोड के तहत जो एनपीएस का रेजोल्यूशन होना था,
वो उसमें लिखा था 1 साल, लेकिन वो लग गए 2 से 3 साल, और जब वो प्रोसेस खत्म होने को आई तो कोविड आ गया, और कोविड वजह से फिर से लोगों का बैंक्स की ओर रिस्क का परसेप्शन बढ़ गया। तो इसमें करीब 2 वर्ष का समय अधिक लगा हमको परफॉर्मेंस को रिकवर करने में, लेकिन मुझे खुशी है कि जो हमारी सोच थी हम उस पर कायम रह पाए, और आप लोग का बहुत सहयोग रहा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि जो हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुआ है, मुझे लगता है जिन सेक्टर्स में हमारे फंड्स हैं उसमें अभी भी रिलेटिव तौर पर अंडर वैल्यूएशन है, और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में शायद हम इस परफॉर्मेंस को और भी इम्प्रूव कर पाएंगे। अंत में मैं यही कहूंगा कि ये एक बहुत कठिन दौर था देश के लिए, परिवारों के लिए, समाज के लिए, और अब ये खत्म होता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इस समय में हमारी क्या की लर्निंग्स रही शेयर बाजार की ओर से, तो इस पे मैं 1-2 मिनट और आपका लूंगा, और फिर जो भी प्रश्न आप लोग के होंगे उनका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो कबीर दास का नाम सभी ने सुना होगा, तो उनका एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। तो आज से करीब 12-13 साल पहले मैंने एक नोट लिखा था, और उसमें हमने इसी को एक अडॉप्ट करके अलग तरीके से शेयर बाजार के संदर्भ में इसको इस प्रकार से लिखा था, तेजी में निवेश सब करें, मंदी में करे न कोई, जो मंदी में निवेश करे तो रिटर्न काहे ना होए। तो कहने का मतलब यह है कि शेयर बाजार एक ऐसी चीज है जिसमें कि खराब समय में निवेश पे रिटर्न सबसे ज्यादा आता है, और जितना अच्छे समय में हम निवेश करेंगे उतना हमारा रिटर्न कम हो जाता है। क्योंकि तो खराब समय में देखिए बिजनेस जीवन आगे पीछे सामान्य हो जाता है, अर्थव्यवस्था सामान्य हो जाती है, बिजनेस सामान्य हो जाता है, लेकिन खराब समय में सेम बिजनेस की जो वैल्यू है वो आपको बहुत कम मिलती है। उस समय हमको जो रोज की हेडलाइन है, जो रोज के घटते हुए दाम है, उनसे थोड़ा दूर हटना पड़ेगा, थोड़ा लंबा सोचना पड़ेगा। उस समय अगर हम डर पे काबू कर पाए तो उस समय जो हम निवेश करेंगे उस पे हमको एक अच्छा रिटर्न मिलता है, हमेशा ऐसा ही देखा गया है। ऐसे समय में जो परसीव्ड रिस्क है वो ज्यादा है, लेकिन जो रियल रिस्क है वो कम है, क्योंकि उन बिजनेसेस जो आप खरीद रहे हैं उसमें वैल्यू काफी ज्यादा है। तो संक्षिप्त में, भारत की अर्थव्यवस्था एक सेकुलर ग्रोथ इकोनॉमी है, पिछले 40-50 सालों से ग्रो कर रही है, और आने वाले समय में इसकी ग्रोथ का आउटलुक मेरे ख्याल से और बेहतर है और सुदृढ़ हुआ है। शेयर बाजार का सही वैल्यू एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ही मिलती है। इसमें जो ज्यादा टाइम इन टाइम आउट करते हैं उनको रिटर्न्स कम मिलते हैं, और जो इसमें पेशेंटली लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो उनको ही इसमें निवेश का असली फायदा मिलता है। आइंस्टीन ने कहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर इन द वर्ल्ड, दोज हु अंडरस्टैंड इट दे अर्न इट एंड दोज हु डोंट दे पे इट। देखिए 100 का सेंसेक्स 50,000 हो गया, इसमें हम किसने कमाया, जो जिसने सब अच्छा बुरा समय, एशियन क्राइसिस आई, लीमन आई, गल्फ क्राइसिस आई, 9/11 आया, ब्रेक्सिट आया, टेपरिंग आया, कोविड आया, जो इसमें स्थिर बैठा रहा। शेयर बाजार में उतना ही पैसा निवेश करें जितना कि आप एक लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं, और जिसपे आप अप डाउन वॉलिटिलिटी को टॉलरेट कर सकते हैं। और हम लोग का भी पोर्टफोलियो को मैनेज करने की यही फिलॉसफी रही, और इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष जब बाजार अकस्मात घट गया तो हम लोग ने अपने फंड्स में इक्विटी का एक्सपोजर कम नहीं किया। कोविड को फोरकास्ट करना, पहले से अनुमान लगाना, लॉकडाउन का अनुमान लगाना मेरे ख्याल से असंभव था, लेकिन जब वो हो गया तो हमें सोचना है कि हाँ बाजार आज तो इतना घट गया लेकिन अब आगे के लिए सही रास्ता क्या है। तो हमने ऐसे समय में जहां पर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी थी उन फंड्स में हमने अपना इक्विटी एक्सपोजर बढ़ाया, और जैसे जैसे स्थिति सामान्य हुई हम उसको मेंटेन करते रहे, और जैसे जैसे अब वैल्यूएशंस जैसे मैंने बताया कि फेयर वैल्यूज की तरफ जा रहे हैं, और कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जहां मेरी समझ में वो सेक्टर्स महंगे हो गए हैं, तो आप देख रहे हैं कि
कि इन फंड्स में हम अपना इक्विटी एक्सपोजर काफी कम कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि हमारे जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड है उसमें ऊपर में हमारा इक्विटी एक्सपोजर करीब 83, 84, 85% आ गया था, और आज वो एक्सपोजर 70% के नीचे। तो हम हमेशा लंबा सोचते हैं और हमारा यही प्रयास रहता है कि हम जो भी फंड्स के मैनेजमेंट में स्ट्रेटजी लगाएं वो 3-5 साल के हिसाब से लगाएं, क्योंकि एक्विटीज का रियल रिटर्न उतने ही समय में आता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातों को पेशेंटली सुनने के लिए। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।